पेश है महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का 16वां भाग सभ्य पोशाक में। अन्नाहार पर मेरी श्रद्धा दिन पर दिन बढ़ती गई। सॉल्ट की पुस्तक ने आहार के विषय में अधिक पुस्तकें पढ़ने की मेरी जिज्ञासा को तीव्र बना दिया। जितनी पुस्तकें मुझे मिली मैंने खरीद ली और पढ़ डाली। उनमें हावर्ड विलियम्स की आहार नीति नामक पुस्तक में अलग अलग युगों के ज्ञानियों, अवतारों और पैगंबरों के आहार का और आहार विषयक उनके विचारों का वर्णन किया गया है। पाइथागोरस, ईसा मसीह इत्यादि को उसने केवल अन्नाहारी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। डॉक्टर मिसेज एना किंग्सफर्ड की उत्तम आहार की रीति नामक पुस्तक भी आकर्षक थी। साथ ही डॉक्टर एलिंसन के आरोग्य विषयक लेखों ने भी इसमें अच्छी मदद की। वे दवा के बदले केवल आहार के हेर फेर से ही रोगी को निरोग करने की पद्धति का समर्थन करते थे। डॉक्टर एलिंसन स्वयं अन्नाहारी थे और बीमारों को केवल अन्नाहार की ही सलाह देते थे। इन सब पुस्तकों के अध्ययन का परिणाम ये हुआ कि मेरे जीवन में आहार विषयक प्रयोगों ने महत्व का स्थान प्राप्त कर लिया। आरंभ में इन प्रयोगों में आरोग्य की दृष्टि मुख्य थी, बाद में धार्मिक दृष्टि सर्वोपरि बनी। इस बीच मेरे उन मित्र को तो मेरी चिंता बनी ही रही। उन्होंने प्रेमवश ये माना कि अगर मैं मांस नहीं खाऊंगा तो कमज़ोर हो जाऊंगा। यही नहीं बल्कि मैं बेवकूफ़ बना रहूंगा क्योंकि अंग्रेज़ों के समाज में घुल मिल ही ना सकूंगा। वे जानते थे कि मैं अन्नाहार विषयक पुस्तकें पढ़ता रहता हूं। उन्हें लगा कि इन पुस्तकों के पढ़ने से मैं भ्रमित चित्त बन जाऊंगा, प्रयोगों में मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, मुझे जो करना है उसे मैं भूल जाऊंगा और पोथी पंडित बन बैठूंगा। इस विचार से उन्होंने मुझे सुधारने का एक आखिरी प्रयत्न किया। उन्होंने मुझे नाटक दिखाने के लिए न्योता। वहां जाने से पहले मुझे उनके साथ हॉबर्न भोजन गृह में भोजन करना था। मेरी दृष्टि में ये गृह एक महल था। विक्टोरिया होटल छोड़ने के बाद ऐसे गृह में जाने का मेरा ये पहला अनुभव था। विक्टोरिया होटल का अनुभव तो निकम्मा था क्योंकि ऐसा मानना होगा कि वहां मैं बेहोशी की हालत में था। सैकड़ों के बीच हम दो मित्र एक मेज के सामने बैठे। मित्र ने पहली प्लेट मंगाई, वो सूप की थी। मैं परेशान हुआ, मित्र से क्या पूछता। मैंने तो परोसने वाले को अपने पास बुलाया। मित्र समझ गए, चिढ़कर मुझसे कहा, क्या है। मैंने धीरे से संकोच पूर्वक कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें मांस है या नहीं। ऐसे गृह में यह जंगलीपन नहीं चल सकता। अगर तुम्हें अब भी यही किचकिच करनी हो तो तुम बाहर जाकर किसी छोटे से भोजन गृह में खा लो और बाहर ही मेरी राह देखो। मैं इस प्रस्ताव से खुश होकर उठा और दूसरे भोजनालय की खोज में निकला। पास ही एक अन्नाहार वाला भोजन गृह था पर वो तो बंद हो चुका था। मुझे समझ न पड़ा कि अब क्या करना चाहिए। मैं भूखा रहा। हम नाटक देखने गए। मित्र ने उक्त घटना के बारे में एक भी शब्द मुंह से न निकाला। मेरे पास तो कहने को था ही क्या, लेकिन ये हमारे बीच का अंतिम मित्र युद्ध था। न हमारा संबंध टूटा न उसमें कटुता आई। उनके सारे प्रयत्नों के मूल में रहे हुए प्रेम को मैं पहचान सका था। इस कारण विचार और आचार की भिन्नता के रहते हुए भी उनके प्रति मेरा आदर बढ़ गया। पर मैंने सोचा कि मुझे उनका डर दूर करना चाहिए। मैंने निश्चय किया कि मैं जंगली नहीं रहूंगा, सभ्य के लक्षण ग्रहण करूंगा और दूसरे प्रकार से समाज में समरस होने योग्य बनकर अन्नाहार की अपनी विचित्रता को छिपा लूंगा। मैंने सभ्यता सीखने के लिए अपनी सामर्थ्य से परे का और छिछला रास्ता पकड़ा। विलायती होने पर भी बम्बई के कटे सिले कपड़े अच्छे अंग्रेज समाज में शोभा नहीं देंगे, इस विचार से मैंने आर्मी और नेवी स्टोर में कपड़े सिलवाए। 19 शिलिंग की, उस जमाने के लिहाज से तो ये कीमत बहुत ही कही जाएगी। चिमनी टोपी सिर पर पहनी। इतने से संतोष न हुआ तो बॉन्ड स्ट्रीट में, जहाँ शौकीन लोगों के कपड़े सिलते थे, 10 पौंड पर बत्ती रख कर शाम की पोशाक सिलवाई। भोले और बादशाही दिलवाले बड़े भाई से मैंने दोनों जेबों में लटकाने लायक सोने की एक बढ़िया चेन मंगवाई और वो मिल भी गई। बंधी बंधाई टाई पहनना शिष्टाचार में शुमार न था, इसलिए टाई बांधने की कला हस्तगत की। देश में आईना हजामत के दिन ही देखने को मिलता था, पर यहाँ तो बड़े आईने के सामने खड़े रहकर ठीक से टाई बांधने में और बालों में पट्टी डालकर सीधी मांग निकालने में रोज लगभग 10 मिनट तो बर्बाद होते ही थे। बाल मुलायम नहीं थे, इसलिए उन्हें अच्छी तरह मुड़े हुए रखने के लिए ब्रश, झाड़ू ही समझिए, के साथ रोज लड़ाई चलती थी। और टोपी पहनते तथा निकालते समय हाथ तो मानो मांग को सहेजने के लिए सिर पर पहुंच ही जाता था और बीच बीच में समाज में बैठे बैठे मांग पर हाथ फिराकर बालों को व्यवस्थित रखने की एक और सभ्य क्रिया बराबर चलती ही रहती थी। पर इतनी टीम टाम ही काफ़ी न थी।
अकेले सभ्य पोशाक से सभ्य थोड़े ही बना जा सकता था। मैंने सभ्यता के दूसरे कई बाहरी गुण भी जान लिए थे और मैं उन्हें सीखना चाहता था। सभ्य पुरुष को नाचना जानना चाहिए, उसे फ्रेंच अच्छी तरह जान लेनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंच इंग्लैंड के पड़ोसी फ्रांस की भाषा थी और सारे यूरोप की राष्ट्रभाषा भी थी, और मुझे यूरोप में घूमने की इच्छा थी। इसके अलावा सभ्य पुरुष को लच्छेदार भाषण करना भी आना चाहिए। मैंने नृत्य सीखने का निश्चय किया। एक कक्षा में भर्ती हुआ, एक सत्र के करीब 3 पौंड जमा किए। कोई 3 हफ्तों में करीब 6 सबक सीखे होंगे। पैर ठीक से तालबद्ध पड़ते न थे। पियानो बजता था पर वो क्या कह रहा है कुछ समझ में न आता था। 1, 2, 3 चलता पर उसके बीच का अंतर तो वो बाजा ही बताता था जो मेरे लिए अगम्य था। तो अब क्या किया जाए? अब तो बाबा जी की बिल्ली वाला किस्सा हुआ। चूहों को भगाने के लिए बिल्ली, बिल्ली के लिए गाय। यूं बाबा जी का परिवार बढ़ा, उसी तरह मेरे लोभ का परिवार भी बढ़ा। वायोलिन बजाना सीख लूं तो सुर और ताल का ख्याल हो जाए। 3 पौंड वायोलिन खरीदने में कमाए और कुछ उसकी शिक्षा के लिए भी दिए। भाषण करना सीखने के लिए एक तीसरे शिक्षक का घर खोजा, उन्हें भी एक गिन्नी तो भेंट की ही। बेल की स्टैंडर्ड एलोक्यूशनिस्ट पुस्तक खरीदी, पिट का एक भाषण शुरू किया। इन बेल साहब ने मेरे कान में घंटी यानी बेल बजाई। मैं जागा। मुझे कौन इंग्लैंड में जीवन बिताना है? लच्छेदार भाषण करना सीखकर मैं क्या करूंगा? नाच नाच कर मैं सभ्य कैसे बनूंगा? वायोलिन तो देश में भी सीखा जा सकता है। मैं तो विद्यार्थी हूँ, मुझे विद्या धन बढ़ाना चाहिए। मुझे अपने पेशे से संबंध रखने वाली तैयारी करनी चाहिए। मैं अपने सदाचार से सभ्य समझा जाऊं तो ठीक है, नहीं तो मुझे ये लोभ छोड़ देना चाहिए। इन विचारों की धुन में मैंने उपर्युक्त आशय के उद्गारों वाला पत्र भाषण शिक्षक को भेज दिया। उनसे मैंने 2 या 3 पाठ पढ़े थे। नृत्य शिक्षिका को भी ऐसा ही पत्र लिखा। वायोलिन शिक्षिका के घर वायोलिन लेकर पहुंचा, उन्हें जिस दाम भी वो बिके बेच डालने की इजाजत दे दी। उनके साथ कुछ मित्रता का सा संबंध हो गया था, इस कारण मैंने उनसे अपने मोह की चर्चा की। नाच आदि के जंजाल से निकल जाने की मेरी बात उन्होंने पसंद की। सभ्य बनने की मेरी ये सनक लगभग 3 महीने तक चली होगी। पोशाक की टीम टाम तो बरसों चली, पर अब मैं विद्यार्थी बना। दोस्तों, ये था महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का 16वां भाग। इससे आगे की बात अगली मुलाकात में। मैं मुईन शमसी हूँ, ये चैनल है नो बकवास बातें खास। धन्यवाद।